अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब टेक्निक और रहमान ऑनलाइन चैनल। आज की वीडियो बिलखसूस गांव के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। आज की वीडियो में आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बनाकर दिखाने वाले हैं जो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो करेगी। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये 12 वोल्ट का चूल्हा है। आप इसको 16 प्लेट पर 12 वोल्ट का अडाप्टर पर बासानी के साथ चला सकते हैं। इसको आप मोटरसाइकिल की बैटरी पर बासानी के साथ चला सकते हैं। आए हम आपको इसको बनाकर दिखाते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। 12 वोल्ट के 16 प्लेट पर ये चला सकते हैं और इसको कैसे घर पर आप बासानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। आए हम आपको इसको बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल टेक्निकल रहमान ऑनलाइन को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। आए हम आपको इसको बनाकर दिखाते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। चलिए, मैं सबसे पहले एक सीमेंट की प्लेट या मिट्टी की प्लेट में जो पेरिस पाउडर के साथ बनी होती है उसकी ज़रूरत होगी। उसके बाद एक 12 वोल्ट इलेक्ट्रिक स्प्रिंग की और फिर 12 वोल्ट अडाप्टर की और 16 प्लेट की भी आप इसको 16 प्लेट पर भी चला सकते हैं। आए हम आपको इसको दिखाते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि हमने इसके 12 वोल्ट इलेक्ट्रिक स्प्रिंग को इस प्लेट के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ लगा रहे हैं। इसको आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ टाइट कर लेंगे और फिर इसको हम टाइट करके इसके ऊपर स्प्रिंग को अच्छी तरह लगा कर इसको अच्छी तरह टाइट करके इसको 12 वोल्ट अडाप्टर के कनेक्शन करेंगे या 16 प्लेट के कनेक्शन करके भी आपको दिखाते हैं कि इसके 16 प्लेट के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। आए हम आपको इसको 16 प्लेट के कनेक्शन करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा चूल्हा तकरीबन आधे से ज़्यादा तैयार हो चुका है। अब हमने सिर्फ इसके कनेक्शन करने हैं। हमने इसके हीटिंग स्प्रिंग इसके ऊपर लगा लिया है। आप इसके साथ अपने एक टाइम की रोटी बासानी के साथ पका सकते हैं, हंडी पका सकते हैं और इसको सर्दियों की वजह से गैस की लोड शेडिंग होती है बहुत ज़्यादा देहातों में, तो आप इसको अपने देहात में अपने गाँव में अपने घर पर बासानी चला सकते हैं। आपको खाना पकाने में कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। इसको बासानी आप इसके ऊपर अपने एक वक्त के खाना पका सकते हैं, कोई भी चीज़ उस पर पका सकते हैं और इसको आप हीटिंग लेने के लिए, आप जिस्म को गर्म करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी हीटिंग ले सकते हैं। आप इसको अपने कमरे में रख कर इसे हीटिंग इसको चला कर अपने कमरे को गर्म कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक स्टोव बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ तैयार हो चुका है। अब हम आपको इसको 12 वोल्ट अडाप्टर के कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इसको 12 वोल्ट के अडाप्टर के पॉजिटिव पॉइंट की वायर को पॉजिटिव पॉइंट के साथ और नेगेटिव पॉइंट की वायर को नेगेटिव वायर के साथ लगा देंगे। फिर हम आपको इसको 12 वोल्ट के अडाप्टर के साथ इसको चला कर दिखाते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक स्टोव अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक स्टोव अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, यह बहुत ही मुफीद है। आप इसको अपने घर पर बासानी चला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा रखा जिसको बहुत जल्दी के साथ आग लग गई और ये बहुत ही मुफीद है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ कर्म वर्क कर रहा है। आप दोस्तों गुजारिश है कि आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल टेक्निकल रहमान ऑनलाइन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा।